एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बाल क्लासेस पर खुद स्वागत करता हूँ। ध्यान से कक्षा 12 वाले सुनिए, समाकलन की एक बेस्ट सीरीज श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें एक से लेकर के 114 प्रश्न हैं। एक से लेकर के 114 प्रश्न, हाँ सही आपने सुना है। इन एक से 114 प्रश्न पढ़ने के बाद आप समाकलन के बादशाह हो जाएंगे। इसमें सारे सवाल, एक एक सवाल आप इस विभिन्न प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को आप सीधे से सीधे जा करके यूपी बोर्ड्स के मॉडल पेपर से आप मैच कराइएगा और पूरा एक एक क्वेश्चन मिलेगा। और जिस मेथड से मैं लगा रहा हूँ, एकदम सरल, एकदम सटीक, जो आपके माइंड से आपके टच कर जाएगा और बेस्ट रहेगा। ये क्लास डेली रात 8 बजे आप सभी लोग के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए लाइव रहेगी। फुल स्लॉट वीडियो रहेगी, एक एक पॉइंट्स में बाकायदा समझाऊंगा और उस पॉइंट्स को आप जरूर तैयार करिएगा। आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप वीडियो को बाद में देखते हैं प्लीज़ तब भी आप लाइक कर दिया करें और आप ज़रूर कमेंट कर दिया करें। और हाँ, हो सके तो आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और जब हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए दी बेस्ट नहीं बेस्ट बेस्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं श्रृंखला को। इस श्रृंखला को मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या चीज़ है। सबसे पहले श्रृंखला को मैं शुरू करता हूँ, श्रृंखला विविध प्रश्नावली की है। एक मिनट, विविध प्रश्नावली में यहाँ पर क्या दिया आपको, विविध प्रश्नावली पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या है, प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। किस पे, प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। लगभग इसमें कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अदर कोचिंग से हट के दी बेस्ट करूंगा मैं आपके साथ, एक एक सवाल गजब का दूंगा तरीका, रूल्स भी मैं गजब का दूंगा। यहाँ पर 40 क्वेश्चन, एक से लेकर के 40 क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं वो प्रतिस्थापन आधारित हैं। 40 क्वेश्चन जरूर पढ़िए, जरूर देखिए, फुल एंजॉय करिए, ठीक है। इसके बाद प्रतिस्थापन बीत के बाद यहाँ पर खंडसा समाकलन पे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे है, ठीक है। फिर आपको इसको पूरा देखना रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। इसके एक एक सवाल मैं चालू करूँगा और तरीका मैं बताऊँगा, ट्रिक में बताऊँगा, रूल्स में बताऊँगा, ठीक है ना। टोटल मैं सोल्यूशन दूंगा आपको 56 यहाँ तक, 56 के बाद आपका लगभग खंडसा समाकलन का आपका लगता है मुझे 69 क्वेश्चन, वन मिनट प्लीज, हाँ 69। इसके बाद आपका आ गया यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर आपका कितना बढ़िया सा सिस्टम आ गया आपको, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न पर आधारित, ठीक ना। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के एक एक क्वेश्चन, एक एक तरीका, दी बेस्ट तरीका, दी बेस्ट मेथड मैं दूंगा। फुल सीरीज है, सीरीज का आनंद लें और समाकलन को दिमाग में बंद कर दें, ठीक है। 86 क्वेश्चन है वहां तक। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर निश्चित समाकलन, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बताएंगे, आपको क्या बताएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आधारित प्रश्न बताएंगे। ये भी 87 से शुरू है, इस पे भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस के मैं ट्रिक को जरूर फॉलो करूंगा। और ये आपकी है 114 प्रश्नों की सीरीज। आपने यहाँ पर लास्ट में आपने देख लिया होगा, शुरू मैंने एक से किया था और ख़त्म 114 पे ले जा करके एक एक क्वेश्चन से करूँगा। और आपको 114 के बाद वो प्रश्न जो कि बहुविकल्पीय एक नंबर में मिलते हैं प्रगुण से, उन सारे प्रश्नों का मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा, यहाँ से लेकर कंपटीशन तक आप सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ले चलते हैं हम आपको अपने स्क्रीन पर, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं, फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर एक में लेकर चल रहा हूँ, एक से लेकर 114 तक की सीरीज है, आधे घंटे की डेली सीरीज रहेगी। डेली क्लास में आप लाइव रहा करें, आप जब भी बाद में क्लास को देखें तो प्लीज एक लाइक और कम से कम 5 से 6 कमेंट आप कर दिया करें, क्योंकि आप 9 से लेकर के, मतलब शिशु से लेकर आप 12th तक पढ़ते हुए आ गए हैं, तो आप कमेंट करना सीख गए होंगे, ठीक है। आप प्लीज कमेंट कर दें। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है, सवाल नंबर एक से, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक, विविध प्रश्नावली सीरीज मैंने चालू किया है और यहाँ पर लिखा है प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। एमएससी मैथमेटिक्स से आप पढ़िए, जब भी पढ़िए दी बेस्ट पढ़िए। अच्छा, इस क्वेश्चन के पीछे बहुत बढ़िया सा एक तरीका है, उस तरीका को ध्यान से लिखेंगे। इतना सिंपल सा मेथड मैं दूंगा, इतना सरल सा मेथड दूंगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहु क्वेश्चन आपके माइंड में उतर जाएगा और आप इसी आधार पे कई प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहे, ध्यान से देखें, अगर क्वेश्चन जरा सा भी पसंद आए, ट्रिक जरा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को कई कोचिंग्स वालों ने लगाया है और कई जगह के लोगों ने लगाया है, तो इसमें करते क्या चीज है, ध्यान से आप सुनिए। क्या करते हैं, इसको यहां तक ऐसे कर देते हैं, इसको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसा लिख करके वो बता देते हैं x प्लस टू
आप इसको x प्लस वन कर दीजिए, प्लस वन कर दीजिए अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर dx। मतलब उन्होंने क्या क्या बताया आपको, प्लीज ध्यान सुनिए, उन्होंने क्या कहा, x प्लस टू, x प्लस टू को उन्होंने क्या लिखवा दिया, आराम से आपको कहा x प्लस टू को आप x प्लस वन लिख दीजिए, x प्लस वन प्लस वन, ठीक है, और यहाँ x प्लस वन, उन्होंने क्या कहा इसको आप अलग अलग कर दीजिए, मतलब x प्लस वन अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर dx और प्लस वन अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर dx, उन्होंने ऐसा कहा। फिर उन्होंने क्या किया, एक पावर को एक पावर से कैंसिल कर दिया, यहां पर आपका मिल गया वन अपान एक्स प्लस वन dx मिल गया और यहां मिल गया वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ये मिल गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान समझिए, x प्लस टू को उन्होंने क्या करवाया, x प्लस वन करवा दिया और प्लस वन करवा दिया अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर, उन्होंने अलग अलग करवा दिया इसको, वन अपान x प्लस वन मिल गया, ये मिल गया। अब आपको करना क्या चीज है, यहां पर उन्होंने एक बटे x प्लस वन और यहां पर ये चीज है, आराम से उसको क्या करते हैं, इसका समाकलन वो लिखवा देते हैं, log x प्लस वन लिखवा देते हैं और इसका समाकलन जो लिखवा देते हैं माइनस वन अपान x प्लस वन लिखवा देते हैं और प्लस क्या लिखवा देते हैं, c लिखवा देते हैं। चलिए, ये रूल बेस्ट है, आप देते हैं बहुत अच्छा है। क्या यहां पर कहीं प्रतिस्थापन हुआ, आप हमें कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी चीज को मानना, किसी चीज को टी पुट करना, टी पुट करने के बाद तब तो ये प्रतिस्थापन भी हुआ। अब कुछ बच्चों का प्रश्न होगा, सर क्या हम इससे नहीं लगा सकते हैं, आप अपने एग्जाम में लगा सकते हैं। क्यों एग्जाम में लगा सकते हैं, क्योंकि वहां तो ये तो कुछ कहा नहीं रहेगा प्रतिस्थापन या वगैरह, लेकिन मेरे रूल्स मेरे ट्रिक को देखो दी बेस्ट लगेगा। अच्छा, यहां पर कुछ लोग इसका पूछ रहे हैं, सर इसका ये कैसे हुआ समाकलन, तो आप इसका समाकलन हो जाएगा, यही होगा। अब कहते कैसे, इसको हम यहां पर साइड में बता देते हैं, जैसे 1 अपान क्या लिखा गया है, x प्लस वन का होल स्क्वायर dx लिखा गया है। अच्छा, ये ऊपर जाएगा, x प्लस वन की होल पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू dx हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा x प्लस होल x प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल c, और x का क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा एक, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वन की पावर माइनस वन और यहां हो जाएगा माइनस वन प्लस यहां c, तो माइनस यहां आगे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ऊपर माइनस वन है नीचे आएगा प्लस हो जाएगा प्लस सी, मैंने यही चीज किया है। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इसको एक्सप्लेन करिए इसको कैसे किया गया है, तो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। चलिए ठीक है, ये तरीका बढ़िया था, अब आप मेरा तरीका देखिए, आपको बेस्ट लगे तो जरूर बताइए, ठीक है। चलिए हम अपने तरीके की तरफ लेके चलते हैं, प्रतिस्थापन भी द्वारा आप इसी विधि से इस सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से आपका क्वेश्चन बहुत बेस्ट लगेगा और आपके आंसर भी गजब के आएंगे। चलिए ठीक है, मिटाते हैं, शुरू करते हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कैसे मानेंगे, यहां पर आप सबसे पहले इसको कैसे लगाएंगे, आप सिंपल वे में यहां पर ये जो दिया गया है इस क्वेश्चन को हम यहां लिखते हैं, क्या दिया गया है, x प्लस टू दिया गया है, अपान दिया गया है x प्लस वन का होल स्क्वायर और दिया गया है dx, ये i बराबर, इसको मान लिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहां लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो नीचे लिखा गया है इस पार्ट को, इसको t मानेंगे, तभी ये प्रतिस्थापन हुआ। t बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वन, क्या हो जाएगा, t बराबर x प्लस वन। अच्छा, dt dx, x का अवकलन एक हो जाएगा, dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर dx का एक मान, ये हो गया। अच्छा, अब स्मॉल t बराबर अपने पास जो x प्लस वन है, प्लस वन इधर आ जाएगा, वो माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल गया, x बराबर मिल गया अपने पास t माइनस वन। यहां तक सभी को कंप्लीट हुआ, यहां तक सबको सामने आया, सभी लोग कमेंट करें यहां तक सबको सामने आया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, यहां पर लिखते हैं i है अपना, i बराबर लगा है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, यहां पर क्या लिखा है x लिखा है, x के स्थान पर क्या लिखेंगे t माइनस वन, क्या लिखेंगे t माइनस वन, फिर प्लस क्या दिया है प्लस टू दिया है, अपान क्या दिया है यहां पर x प्लस वन को t माने हैं, तो यहां t लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर dx बराबर क्या आया है, यहां dx बराबर आया dt, तो सारा का सारा फंक्शन टी में चेंज हो गया, टी में चेंज हो गया। अब यहां पर आई बराबर अपने पास हो जाएगा टी, टू में से वन गया प्लस वन हो गया और इसको यहां मिल गया टी स्क्वायर डी टी। अब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, टी अपान लिख सकते हैं टी स्क्वायर और प्लस लिख सकते हैं वन अपान क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी टी, टी अपान टी स्क्वायर डी टी। अच्छा, एक टी से एक टी कैंसिल, क्या मिला यहां पर एक बटे टी डी टी मिल गया और प्लस एक बटे टी स्क्वायर को लिख सकते हैं टी की पावर माइनस टू,
टी की पावर माइनस टू डी टी, अब वन अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, और प्लस टी की पावर माइनस टू का हो जाएगा टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस टी, और यहां पर यहां लॉग टी का हो जाएगा लॉग टी, और यहां हो जाएगा टी की पावर प्लस टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। इसको लिख सकते हैं यहां पर बराबर करके लिख दे रहे क्वेश्चन के आंसर को, यहां हो जाएगा लॉग टी और यहां प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहां हो जाएगा वन अपॉन टी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो लॉग आपने टी को क्या माना है, टी को एक्स प्लस वन माना है, टी के स्थान पर लिख देंगे एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कैपिटल सी, प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल सी। जरा सभी लोग बताएं कैसा लगा, रूल कैसा लगा, मजा आया, ये क्वेश्चन लगाने में मजा आया, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सभी लोग कमेंट करें प्लीज, सबको अच्छा लगा ये ट्रिक, सबको अच्छा लगा, आप आंसर मिला लीजिए अपनी बुक से, आप आंसर मिला लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सभी को अच्छा लगा, वेरी नाइस, सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, इतने कम लोग हैं, सभी को शेयर करिए प्लीज, सभी के पास शेयर करिए, द बेस्ट मेथड मैं दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन का मैं बेस्ट तरीका दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन हो चुका है सभी का। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्रतिस्थापन मेथड है, आपको लगाने में कैसे लगा उस क्वेश्चन से, ये मुझे लगता है सरल लगा है, क्या आपको भी लगा, अगर लगा तो प्लीज आप एक कमेंट तो एक लाइक तो बनता है प्लीज, ठीक है। चलिए ले चलते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू क्या दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू भी इसी तरीके से लगाएंगे, दी बेस्ट लगाएंगे। आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठा करें, जब भी क्लास को देखें हमारे कॉपी पेन लेकर बैठे, क्वेश्चन नंबर टू कितना बेस्ट दिया गया है, ठीक ना, और इतना बेस्ट ही आप लगाएंगे। क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 2x माइनस वन, और अपान में दे दिया गया है x प्लस वन का होल स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए इसको भी लगाना है किस तरीके से, इसको लगाना है आपको प्रतिस्थापन विधि से, तो आपका आदेश हो तो क्वेश्चन को लगाना शुरू किया जाए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे, जिससे एक भी स्टेप आपके माइंड से स्किप ना हो, ठीक है। तो स्मॉल टी बराबर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्मॉल टी बराबर आप क्या मानेंगे, एक्स प्लस वन मानेंगे, क्या मानेंगे स्मॉल टी बराबर मानेंगे एक्स प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां हो जाएगा डी टी डी एक्स, एक्स की एक्स का अवकलन एक और एक का अवकलन जीरो, यहां डी टी बराबर हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया वेरी नाइस, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा। अच्छा अब स्मॉल टी बराबर आपने जो एक्स प्लस वन मान रखा है, प्लस वन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस वन, क्या यहां तक आपका कंफर्म है, क्या आप लोग को यहां तक कंफर्म है, फुल आया समझ में, पूरा का पूरा समझ में आया आपका, यहां तक बेस्ट है आपको, चले ठीक है वेरी नाइस। अब आगे लेकर चलते हैं सवाल की तरफ, ध्यान देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आई लिखा है, आप आई लिख लीजिए, यहां इक्वल लगा है इक्वल लगा लीजिए, साइन लगा है समाकलन का चिन्ह लगा लगा लीजिए, यहां टू लिखा है टू भी लिख लीजिए, यहां एक्स है एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे टी माइनस वन लिखेंगे, और यहां क्या लिखा है माइनस वन लिखा है, अपान यहां इसको माने आप टी, तो यहां टी रखेंगे इसका स्क्वायर इस पे लग जाएगा, और यहां डी एक्स के स्थान पर हो जाएगा डी टी। ये पॉइंट समझ में आया सबको, कितनी क्लियरिटी से मैंने इस पॉइंट को समझाया है, कितना क्लियरिटी के साथ मैंने इस पॉइंट को दिया है, पॉइंट आपको समझ में आया, मजा आ रहा ना सभी को, वेरी नाइस। अब देखिए थोड़ा सा और स्टेप देखिए, आई बराबर यहां टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां टू टी हो जाएगा, यहां माइनस टू हो जाएगा, यहां माइनस वन हो जाएगा, यहां टी स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। सबसे हटके क्लास, सबसे हटके रहेगी और द बेस्ट क्लास रहेगी, एक एक प्रश्न आपको आने लगेंगे लगाने, और आप खुद कहेंगे सर द बेस्ट क्लास आपका रहता है, ठीक है ना। तो प्लीज सभी लोग दूर दूर शेयर करें, सभी के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे, आई बराबर यहां पर यहां हो जाएगा टू टी और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री अपान क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। सिंपल वे में आप इसको अलग अलग कर लीजिए, यहां पर हम लिखते हैं आई बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां टू टी है, यहां हो जाएगा टू टी अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा थ्री अपान क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा डी टी। अच्छा आपका इस वाले टी से ये वाला टी क्या हो जाएगा कैंसिल, आई बराबर यहां पर दो को बाहर निकालेंगे कॉन्स्टेंट है, वन अपान टी मिलेगा डी टी मिलेगा, माइनस यहां का थ्री बाहर कर लेंगे, वन अपान टी स्क्वायर डी टी मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, साफ साफ लिख रहा हूं एक एक पॉइंट। आई बराबर यहां हो जाएगा दो हो जाएगा,
यहाँ पर एक बटे टी डी टी है और माइनस थ्री है, ये ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस टू डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा टू, एक बटे टी का समाकलन होता है लॉग टी माइनस थ्री, और टी की पावर यहाँ हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, और ब्रेकेट बंद, प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल सी, जहां कैपिटल सी एक समाकलन नियतांक है, टू लॉग टी हो जाएगा माइनस थ्री, यहाँ टी की पावर माइनस वन बटे माइनस वन, प्लस क्या हो जाएगा सी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू लॉग टी, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, और यहाँ एक बटे टी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सी। टी के स्थान पे आपने क्या माना था एक्स प्लस वन, आप लिख सकते हैं टू लॉग टी के स्थान पे एक्स प्लस वन प्लस थ्री अपान एक्स प्लस वन प्लस कैपिटल सी। कैसा लगा आपको, समझ में आया? ये सारे कैपिटल सी हैं, ये सारे के सारे कैपिटल सी हैं, कैपिटल सी लगाइए प्लीज, ठीक ना। मैं छोटा सा हूँ, छोटा सी लगा देता हूँ, आप कैपिटल सी लगाएंगे, आप बड़े से हैं, ठीक है ना। तो प्लीज, कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया? पूरे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, मजा आया। सेकंड क्वेश्चन आपने फुल एंजॉय किया, सभी को समझ आया, सभी लोग कमेंट करें, एक कमेंट आप करें, सभी को समझ आया प्लीज, इसीलिए मैं साइड में हूँ, किनारे पे हूँ, पूरे क्वेश्चन समझ में आया आपको, वेरी नाइस, सभी लोग कमेंट्स करें प्लीज, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चले आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, यहां से इस क्वेश्चन को हटाता हूं मैं, आप एक बार वीडियो और चालू करके देखेंगे पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, तरीका कैसा लग रहा है आप लोग जरा एक कमेंट करें, तरीका आपको कैसा लग रहा है, सबसे हटके द बेस्ट है या नहीं, ठीक है ना। ये सब कोई बात नहीं है, लंबा जा रहा है छोटा जा रहा, आप कितना बेस्ट सीख पा रहे हैं इस चीज पे मायने रखिए आप, क्वेश्चन को आप आठ नंबर के क्वेश्चन को एंजॉय करिए, आप बहुत अच्छा एंजॉय करिए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है, थ्री नंबर क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, ठीक ना, आपके माइंड से स्किप ना होने पाए। क्या लिखा है, एक्स लिखा है अपान एक्स स्क्वायर लिखा गया है, प्लस टू एक्स है प्लस वन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और क्या दिया है डी एक्स, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन दिया गया ना। ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से लगाना है, ठीक ना, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन दिया गया, चलिए बेस्ट तरीके से लगाइए। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर सब लोग मिलाए अपनी बुक से, जरूर मिलाए होंगे, मिलाए तो कैसा आया, सही है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन को आराम से देखते हैं, ध्यान से कैसे लगाएंगे, अदर कोचिंग वाले कैसे लगाते हैं, हम कैसे लगाएंगे, हमारा तरीका देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर यहां एक्स हो जाएगा अपान, यहां इस चीज को पूरे को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बस आपका काम बन गया। अदर कोचिंग वाले क्या करेंगे, एक जुड़वाएंगे आपसे और एक घटवाएंगे, फिर आपसे अलग अलग करवाएंगे, फिर वही जो पहले क्वेश्चन में रूल हुआ था वही सारी नौटंकी, सारी प्रक्रिया, ना तो आपने प्रतिस्थापन किया, ना तो आप प्रतिस्थापन के बारे में जानते हैं, आपको जब सब सिचुएशन मेथड आता ही नहीं तो आप क्या प्रतिस्थापन लगाएंगे, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे, ऐसा वैसा, चलिए ठीक है आप एग्जाम्स में है वहां पे ना करिए, लेकिन ये जो रूल दे रहा हूं ना इससे एग्जाम्स में भी अच्छा, इस क्वेश्चन से ये जो तरीका मैं दे रहा हूं उनके तरीके तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, कहां पर, जब वो लिमिट वाला आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि जब भी ऐसा किया जाता है तो लिमिट चेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो जब आप ऐसे मानकर लगाए रहेंगे तो लिमिट भी आप चेंज कर ले जाएंगे, अब सवाल भी बेस्ट लगा ले जाएंगे। यहां पर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, सिंपल वे में स्मॉल टी बराबर आप क्या मानिए, एक्स प्लस वन मानिए, आराम से आप लिखिए डी टी लिखिए डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएट एक हो जाएगा और वन का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ डी टी इज इक्वल टू डी एक्स का एक से मल्टीप्लाई हो गया डी एक्स हो गया, फिर वही प्रक्रिया आई है, स्मॉल टी बराबर आपने एक्स प्लस वन माना है, प्लस वन इधर आएगा, टी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया टी माइनस वन, यहां आएंगे आई लिखेंगे बराबर लगाएंगे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, एक्स है एक्स के स्थान पे हम क्या लिखेंगे टी माइनस वन लिखेंगे, आराम से यहाँ एक्स प्लस वन को टी माने हैं, यहाँ टी का स्क्वायर लिखेंगे और आराम से लिखेंगे डी टी, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या यहां तक सिंपल है, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है यहां तक कोई तरीका, मैंने सारी फंक्शंस को टी में बनाना, आपको मैंने फंक्शन टी में चेंज करना पूरा बता दिया, पूरा का पूरा फंक्शन टी में चेंज हो गया, प्लीज याद रखें, ठीक है ना। अब यहां पर सिंपल वे में आप क्या करेंगे, आई बराबर अलग अलग कर देंगे स्मॉल टी अपान टी स्क्वायर माइनस वन अपान टी स्क्वायर, अलग अलग कर दिया मैंने डी टी लिख दिया, अब मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं आपको आई बराबर यहां पर एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, यहां पर वन अपान क्या बचा है टी बचा है डी टी बचा है, यहां माइनस है बीच में और एक बटे टी स्क्वायर, नीचे टी की पावर प्लस टू है ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा और क्या हो जाएगा
डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इंटीग्रेट करिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, वन अपॉन टी का तो लॉग टी हो जाएगा, और यहां माइनस है और इसका हो जाएगा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल सी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अच्छा, यहां पर अपने पास लॉग टी हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और लॉग टी है माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस वन है नीचे प्लस वन हो जाएगा, प्लस कैपिटल सी हो जाएगा आपका, ठीक है। लॉग आप लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, ये सारा कैपिटल सी रहेगा, ठीक ना, मैंने पहले ही बता दिया है, ये भी कैपिटल सी रहेगा, बड़ा वाला सी रहेगा। लॉग टी के स्थान पे क्या माना आपने, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन लिखेंगे, प्लस वन अपान एक्स प्लस वन लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे। आया समझ में, कैसा रहा मेथड आपको, पूरे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, दी बेस्ट लग रहा है, दी बेस्ट लग रहा है, पूरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, सभी लोग को आया ना, प्लीज कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट्स करें, आया आपको समझ में, बहुत बढ़िया, दी बेस्ट, बहुत अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको आ गया, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन का, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्लीज, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फटाफट, सभी लोग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, चलिए बाला सर को भी याद रखेंगे स्क्रीनशॉट्स में ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या करा है, यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है, ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सबको देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई बराबर यहां पर दिया गया है एक्स की पावर फाइव, यहां क्या दिया गया है एक्स की पावर फाइव अपान दिया गया है अंडर रूट वन प्लस एक्स क्यूब दिया गया है, वन प्लस क्या दिया गया है एक्स क्यूब दिया गया, और क्या दिया गया है dx दिया गया, और क्या दिया गया यहाँ पर x dx यहाँ फाइव अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स क्यूब dx दिया गया i के बराबर, यहाँ तक आराम से इसी को आपको सॉल्व करना है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब आप इधर उधर करेंगे कहीं, ना तो आपको इधर करना है ना तो आपको उधर करना है, केवल आपको सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से एक एक पॉइंट देखिए, जिससे आपका एक भी स्टेप स्किप ना हो आपके माइंड से, सारा स्टेप आपके माइंड तक, एग्जाम का हर प्रश्न आपकी कलम से, ठीक है। चलिए देखते हैं, आई बराबर यहां एक्स की पावर थ्री है, एक्स की पावर फाइव है, एक्स की पावर फाइव को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब लिख सकते हैं और इंटू एक्स क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तीन दो पांच हो जाएगा, अपान हो जाएगा यहां पर वन प्लस एक्स की पावर थ्री, वन प्लस एक्स की पावर थ्री डी एक्स। मुझे आशा है आपको यहां तक क्लियर समझ में आया, एक्स की पावर पांच को मैंने एक्स की पावर थ्री एक्स पावर टू में तोड़ दिया और अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स क्यूब मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, कोई भी समस्या किसी भी भाई बहन को, किसी भी भाई बहन को है, किसी को भी नहीं है कमेंट करें, एक कमेंट कर दें, किसी को भी नहीं है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए यहां पर क्या दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, इतने को सब्स्टिट्यूट करेंगे माने प्रतिस्थापन लगाएंगे, मानेंगे स्मॉल टी बराबर हम क्या मानेंगे वन प्लस मानेंगे एक्स का क्यूब। अच्छा यहां हम क्या करेंगे डी टी लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे, वन का तो जीरो हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहां थ्री को इधर भेजेंगे मतलब डी टी बाई क्या लिखेंगे थ्री लिखेंगे और यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और क्या लिखेंगे डी एक्स। मुझे आशा है आपको यहां तक एकदम क्लियर है, टी बराबर मैंने वन प्लस एक्स क्यूब माना, डी टी डी एक्स लिखा, वन का जीरो होता है, एक्स क्यूब का होता है थ्री एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर होता है, मैंने थ्री को इधर भेज दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स यहां लिखा है। अच्छा एक स्टेप और करते हैं, स्मॉल टी बराबर वन प्लस एक्स क्यूब, अगर हम आपसे कहें प्लस वन को इधर भेज दिया जाए तो टी माइनस वन हो जाएगा एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा आपका टी माइनस वन। अब यहां पर आई लिखेंगे अपना वाला, आप बराबर लगाएंगे अपना वाला, यहां इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे अपना वाला, अच्छा सब कुछ अपना वाला कर रहे हैं आप, यहां एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के स्थान पर क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए टी माइनस वन लिखेंगे और यहां पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, प्लीज यहां पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये डी एक्स बीच में हमने लिखा है ये ऊपर की साइड रहता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, यहां पर एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको जो मिल रहा है यहां पे, यहां क्या लिखेंगे आप लिखेंगे डी टी बाई क्या लिखेंगे थ्री लिखेंगे और इसको आपने टी मान रखा है तो अंडर रूट रहेगा और वहां पर टी रहेगा,
वहां पर क्या रहेगा, टी रहेगा। आपको फंक्शन चेंज करना, कितना गजब का आया, आया गजब लग रहा है, वाकई में गजब लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके के नई नई वीडियोज आपको एक एक ट्रिक एमएससी मैथमेटिक्स भाई अनुपम सर, मैं ही अनुपम सर, मैं ही बाला सर हूँ। नाम कई लोगों ने सुना है लेकिन देखा नहीं है, ठीक है, आप मुझे देख भी रहे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इतना सब कुछ फंक्शन तैयार हो गया, यहाँ तक इतना सब कुछ अपने पास फंक्शन तैयार हो गया। अच्छा, कॉन्स्टेंट 1/3 है, इसको हम बाहर करेंगे, मतलब आई बराबर 1/3 को हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर है टी माइनस वन, और यहाँ ये जो टी की पावर, इसको लिख सकते हैं टी की पावर हाफ, और यहाँ लिख सकते हैं डी टी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे माइंड, इस पूरे सवाल को स्किप नहीं होने देंगे, आपके माइंड में डालेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टी माइनस वन डी टी, रूट टी को टी की पावर हाफ लिख सकते हैं। अच्छा, अब आई बराबर 1/3 रहेगा, यहां पर हम लिख सकते हैं टी बटे टी की पावर हाफ, टी बटे टी की पावर हाफ, और माइनस 1/3 की पावर हाफ, और यहां हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है ना। यहां स्मॉल टी बटे लिख सकते हैं आपको टी की पावर हाफ, अलग अलग मैंने कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसी को अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आई बराबर यहां 1/3। अच्छा, इंटीग्रेशन, ऊपर एक है, ऊपर जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, टी की पावर वन माइनस हाफ, नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस यहां हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे, यहां हो जाएगा डी टी। आई बराबर 1/3, यहां हो जाएगा टी की पावर, प्लीज एक ब्रेकर लगाएंगे क्योंकि 1/3 मैंने सबसे कॉमन किया है। यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर 2 × 2, मतलब एक में से आधा जाएगा, आधा डी टी हो जाएगा, और माइनस यहां हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक नहीं है, किसी को भी नहीं है, यहां तक मैं साइड हो गया हूं, एक बार सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग प्यार से देख सकते हैं, आराम से ध्यान से देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, कई बच्चे कह रहे सर पूरा कर दीजिए तभी देखेंगे, चलो पूरा कर दे तभी देखो। टी की पावर आधा, इसका समाकलन करोगे, टी की पावर आधा प्लस वन बटे आधा प्लस वन मिलेगा, और यहां मिलेगा माइनस टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपान, यहां मिलेगा माइनस हाफ प्लस वन, और यहां हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, कैपिटल सी। 1/3 यहां सबके लिए है, सबसे बाहर रखा गया है। टी की पावर यहां क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 1, 3/2 हो जाएगा, 2 × 2 यहां क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहां माइनस हो जाएगा टी की पावर 2 × 2, 1/2 हो जाएगा, 2 × 2 यहां क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी। आपका 1/3 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 टी की पावर यहां हो जाएगा 3/2, माइनस 2 ऊपर चला जाएगा 2, और ये टी की पावर, इसको अंडर रूट टी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, सी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 लिखेंगे, 3 × 3 = 9, टी, टी के स्थान पे क्या माने हो, 1 + x³ की पावर क्या लिखोगे, यहां पर 3/2 लिखोगे, माइनस 2 अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी के स्थान पे क्या लिखना है, 1 + x³ लिखना है, प्लस कैपिटल सी, प्लस क्या रहेगा, कैपिटल वाला सी रहेगा, प्लीज, ठीक है ना। तो मुझे आशा है आपको, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को मिलाइए, क्या मैंने सही लगाया है, आप आंसर मिला लीजिए प्लीज, सभी लोग आंसर मिलाकर सभी लोग कमेंट करें फटाफट। जी वेरी नाइस, यहां पर 1/9, यहां इस गुणा होगा तो यहां भी 2/3 हो जाएगा, वेरी नाइस। कई लोगों ने कहा सर वेरी नाइस, कई लोगों ने बताया सर 2 × 2 3 × 9, और यहां 1 से यहां 2/3 है, वेरी नाइस, अब सही है, अब जवाब सही है आपका, क्लियर है आंसर, वेरी नाइस, सही कर लीजिए सभी लोग। चलिए आया समझ में, एक एक पॉइंट आप लगा सकते हैं, कुछ बच्चे कह रहे सर रिपीट कर दीजिए, वेरी नाइस, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यहां पर क्या दिया है, एक्स की पावर 5 दिया है, अंडर रूट 1 + x³ dx दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां 3 है ना, तो मैंने क्या किया, इसको 3 और 2 में तोड़ दिया, 3 और 2 में। कुछ बच्चे कह रहे सर 4 और 1 में, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, रूल से होता है ना, एक मिनट ध्यान रखो, सबर रखो, ऐसा नहीं होता। आप 4 1 में तोड़ देंगे, आपका कुछ देर बाद कहेंगे सर हम 2.5 तोड़ दें, अरे ये वो थोड़ी है ईटा कि आधा आधा तुम तोड़ दोगे, ये सवाल है, इसको रूल पे लगाना पड़ता है। आप कुछ भी कमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है, प्लीज रुको जरा, सबर रखो, ठीक है, तरीके से लगाया जाएगा इसको। तो x की पावर 5, ठीक है ना,
एक्स की पावर 5 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपान जी, इसको मैंने टी माना, टी बराबर 1 प्लस एक्स क्यूब, तो डी टी डी एक्स 1 का हो गया 0, एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने 3 को इधर भेज दिया और इसको यहां भेज दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, बहुत अच्छा। अब आइए आप यहीं पर आइए, आपको यहां पर आना है, आई मैंने लिखा, बराबर मैंने लिखा, सब कुछ लिखा, इंटीग्रेशन अपना वाला लगाया, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के स्थान पर क्या लिखोगे, टी माइनस वन, यहां पर टी माइनस लिख दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर डी टी वाई 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी वाई 3, यहां पर अंडर रूट मैंने लिखा और इसको आपने टी मान रखा तो मैंने टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने टी लिख दिया, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, यहां पर टी माइनस वन बटे रूट टी, ये सब मिल गया। अच्छा, एक बटे रूट तीन, टी माइनस वन रूट तीन को लिख सकते हैं क्या, टी की पावर एक बटे तीन, मैंने आगे कर लिया, डी टी रूट टी को टी की पावर आधा लिख सकते हैं। इस सवाल को मैं यहां पर आया, एक बटे तीन मैंने लिखा, टी बटे इतना माइनस एक बटे इतना अलग अलग मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बटे तीन टी की पावर वन माइनस एक बटे दो माइनस टी की पावर ये प्लस हाफ ऊपर जाएगा माइनस हाफ डी टी हो जाएगा, बहुत बेस्ट है। अच्छा, एक बटे तीन टी की पावर आधा, दो एकन्नम दो में से एक गया एक बटे दो और माइनस टी की पावर कितना हो जाएगा माइनस आधा डी टी, कोई समस्या नहीं, आपको दी बेस्ट लगा। अब आराम से आप इसका समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन इतना इतना प्लस वन बटे इतना प्लस वन इतना प्लस वन, ये हो गया आराम से, दो एक अन्नम दो एक तीन बटे दो, यहाँ तीन बटे दो, यहाँ दो एक अन्नम दो, दो में से एक जाएगा एक बटे दो एक बटे दो, ये दो ऊपर चला गया आराम से, मैंने सोल्यूशन टी के स्थान पर लिख दिया। कैसा लगा, मजा आया, पसंद आया सभी को तरीका, ठीक है, चार क्वेश्चन में ले पाया हूँ, चार क्वेश्चन में ले पाया हूँ। चलिए एक मिनट, पांचवा क्वेश्चन भी एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन पांचवा ले लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी नाइस, ठीक है, चलिए। अच्छा, कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर आप रहने दीजिए आज, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल आपको पांचवा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन बताएंगे, आप इसमें स्टार्ट ले लीजिए। आपको वीडियो पसंद आया, मजा आया, कैसा लग रहा, आप फुल एंजॉय कर रहे हैं क्या, आपको इसी तरीके की क्लास की जरूरत है, जरूरत है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर लाइक कर दीजिए, और जितने लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, जितने भी लोग हमारे बच्चे हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप अभी नहीं देखते बाद में देखते, आप कमेंट्स जरूर कर दिया करिए, कम से कम एक हमारे पास उपस्थिति हो जाएगी कि आप पढ़ रहे हैं, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि हमारे बच्चे देख रहे हैं। तो प्लीज आप सभी लोग लाइक किया करें, कमेंट किया करें, आप सपोर्ट किया करें, ठीक है ना, आपके सपोर्ट से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन के तहत हम अधिक से अधिक वीडियोज आपके सामने दे सकते हैं। अच्छा, तरीका जो मैंने दिया है दी बेस्ट तरीका दिया है, कई लोग एक जोड़ देते हैं एक घटा देते हैं, इन सब तरीके से बचो, आप लोग बेस्ट तरीका अव्वल तरीका रखो जिससे हर एक क्वेश्चन पे आपकी पकड़ रहे, तरीका वो जो जिंदगी में कभी ना भूले, आप इस मेथड से बड़े क्वेश्चन, देखो मैंने यहां तक कि रूट वाले क्वेश्चन को आपको सामने पेश किया, मैंने रूट वाले क्वेश्चन को आपको बताया और दी बेस्ट मैंने बताया, और बहुत अच्छा लगा होगा मुझे आशा है आपको, अगर अच्छा लगा तो आपका प्यारा सा कमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैंने जबरदस्त मेहनत किया है और जबरदस्त मैंने परिश्रम किया है, इस परिश्रम को जाया ना जाने दीजिए, सभी के पास शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग देखें, अधिक से अधिक लोग तैयार रहें। आज ये पहली सीरीज है, कल मैं फिर मिलूंगा इसी टाइम 8 बजे दूसरी सीरीज के साथ, तो लाइव आना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।